हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। फिजियोलॉजी से क्वेश्चन लाए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है राइबोसोम में, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें आंसर भी इंक्लूड है। तो क्वेश्चन के ओर चलते हैं। राइबोसोम में 50 से 55 प्रकार के प्रोटीन अणु होते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि राइबोसोम में कितने प्रकार के अणु प्रोटीन अणु होते हैं, तो 50 से 55 प्रकार के। इसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं, कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? यह कोशिका में छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। क्या है लाइसोसोम? कोशिका में छोटे छोटे पुटिकाओं के रूप में यह पाए जाती हैं। और इसका औसत व्यास कितना होता है? 0.05 मिली माइक्रॉन होता है। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि लाइसोसोम का औसत व्यास कितना होता है, तो 0.05 मिली माइक्रॉन होता है। आगे लाइसोसोम में ही है, इसमें लगभग 36 प्रकार के अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में पूछा जाए कि अपघटनीय एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, तो 36 प्रकार के पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य क्या है? तो कोशिका द्रव्य क्या है? तो प्रोटीन, वसा, कार्बोज, पिगमेंट, खनिज लवण व विटामिन का बना होता है। कोशिका किससे बना होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोज, पिगमेंट, खनिज लवण व विटामिन का बना होता है। आगे क्वेश्चन है कि गालजी काय को और क्या कहते हैं? तो लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं। गालजी काय को लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सेंट्रोसोम को केंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रोसोम को किस नाम से जाना जाता है? केंद्र बिंदु के भी नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि अंतः प्रद्रवी जालिका को और किस नाम से जाना जाता है? तो यूनिट अर्गेस्टोप्लाज्मिक भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या है? तो जीव द्रव्य की सुरक्षा करना, मतलब जो कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली का जो कार्य है क्या है? जीव द्रव्य की सुरक्षा करना और बाहरी वस्तुओं को कोशिका के अंदर आने से रोकना व कोशिकीय वस्तुओं को बाहर जाने से रोकना। आगे क्वेश्चन है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या है? इसे क्या ये क्या कार्य करता है? कोशिका के भीतर क्या करता है? कोशिका के भीतर गृह शक्ति गृह, जिसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल का कार्य करना। माइटोकांड्रिया के अंदर क्या होता है? कोशिका के भीतर क्या होता है? कोशिका माइटोकांड्रिया के अंतर्गत कोशिका के भीतर शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल का कार्य करना। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। आगे क्या करें? आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा उत्पन्न करना। अगर आवश्यकता पड़ने पे क्या होता है? माइटोकांड्रिया आवश्यकता पड़ने से पर क्या होता है? शक्ति गृह से ऊर्जा उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम क्या है? तो इसे आत्मघाती थैली का कार्य करना, मतलब यह क्या करता है? लाइसोसोम कार्य क्या है? आत्मघाती थैली है, इसे कहा जाता है सुसाइड बैग, जिसे कह सकता। क्वेश्चन पूछे जाएगा कि सुसाइड बैग किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसी में टॉपिक है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा व अन्य पदार्थों का पाचन करना। लाइसोसोम क्या करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा से अन्य पदार्थों का पाचन करना, ये कार्य है इसका। अगर टॉपिक है केंद्रक झिल्ली क्या है, इसका क्या कार्य है? केंद्रक की सुरक्षा करना। केंद्रक झिल्ली क्या है? केंद्रक की सुरक्षा करता है। केंद्रक के अंदर व बाहर आने जाने वाले पदार्थों को रोकना। केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य है? केंद्रक की सुरक्षा करना और केंद्रक के अंदर व बाहर आने जाने वाले पदार्थों को रोकना। अगले टॉपिक है क्वेश्चन है कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? केंद्रक को,
वो सोम को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, माइटोकांड्रिया को? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कोशिका का मतलब शक्तिगृह किसे कहा जाता है? डी, माइटोकांड्रिया को। किसे कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो सेंट्रोसोम को, केंद्रक को, लाइसोसोम को, अंतःप्रद्रवी जालिका को? इसका आंसर क्या होगा, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? थियोडोर स्वान ने, मैथियास स्लाइडेन ने, रॉबर्ट हुक ने, आर अल्टमैन ने? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो किसने किया था, तो थियोडोर स्वान ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, तो किसने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था? क्रिस्टोन डी ड्यूएल ने, डब्ल्यू वाल्डेयर ने, डी वाटसन एंड एवं एफ एच क्रिक ने, ई स्ट्रॉस बर्गर ने? इसका आंसर क्या है, सी है इसका आंसर, डी वाटसन एंड एफ एच क्रिक ने। आगे क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, किस सन में की थी? 1680 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1450 ईस्वी में? इसका आंसर सी है, 1665 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में लिंगी क्रोमोसोम की संख्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 3 है? तो इसका आंसर क्या होगा, मानव शरीर में लिंगी क्रोमोसोम की संख्या 4 है। आगे क्वेश्चन है, क्रोमोसोम पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? सेंट्रोसोम में, राइबोसोम में, केंद्रक में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? इसका आंसर सी होगा, केंद्रक में। आगे क्वेश्चन है कि कंकाल ऊतक कितने होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, उपास्थि होता है जिसे कहते हैं कार्टिलेज, और अस्थि होता है जिसे जो है इंग्लिश में कहा जाता है बोन। उपास्थि को कार्टिलेज और अस्थि को बोन। उपास्थि क्या है? ये ऊतक गुलाबी या श्वेत रंग का लचीला परंतु कड़ा पदार्थ होता है, इसमें मैट्रिक्स होते हैं जो कॉर्डियल नामक प्रोटीन्स की बनी होती है। अस्थि क्या होता है, अस्थि क्या है इसके बारे में देखते हैं। यह अत्यधिक कठोर, सख्त एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। इस ऊतक में मैट्रिक्स पाई जाती है जो ओसिन नामक प्रोटीन से बनी है। अस्थि में पूछा जाए तो कौन सी प्रोटीन नामक बनी होती है, तो ओसिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। कार्बनिक लवण के रूप में मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के कार्बोनेट एवं फास्फेट होते हैं। अस्थि कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, वह कौन कौन सी होती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं और ओस्टियोक्लास्ट होती हैं। अस्थि कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, तो कौन से हैं? ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। आगे क्वेश्चन है कि अस्थि मध्य से खोखली होती है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। मज्जा गुहा किसे कहते हैं, मतलब मज्जा गुहा के अंतर्गत क्या होता है, जो अस्थि के मध्य में जो खोखली होती है, अस्थि मध्य में खोखली होती है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। मज्जा गुहा में वसी ऊतक भरा रहता है। जो मज्जा गुहा होता है, अस्थि मध्य में जो खोखली जगह होती है उसमें मज्जा गुहा होता है, तो वसी ऊतक भरा रहता है उसमें, जिससे उसे अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहा जाता है। आगे क्वेश्चन इसी के अंतर्गत है, अस्थि में ही हेवर्सियन कैनाल तंत्र पाया जाता है। अगर पूछा जाए अस्थि में कौन सा तंत्र पाया जाता है, तो हेवर्सियन कैनाल तंत्र पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, संरचना के अनुसार अस्थियां दो प्रकार की होती हैं।
संरचना के अनुसार अस्थियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस अस्थि कॉम्पैक्ट बोन, स्पंजी अस्थि स्पंजी बोन। आगे क्वेश्चन है कि तरल संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होती हैं? दो प्रकार के होती हैं, रक्त और लसिका। आगे क्वेश्चन है कि रक्त कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, तो कौन कौन से हैं? लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। आगे है लसिका। लसिका के अंतर्गत अगर पूछा जाता है जल कितने परसेंट होते हैं, तो जल 94% होते हैं, और अन्य ठोस पदार्थ में अगर कहा जाए तो 6% होता है। रक्त कणिकाएं कितनी होती है, तो रक्त कणिकाएं 3 हैं। इरिथ्रोसाइट्स या लाल रक्त कणिकाएं, लिकोसाइट्स या श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स। तो लिकोसाइट या श्वेत कणिकाएं कितनी होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, एक ग्रेनुलर और लिकोसाइट और ग्रेनुलर लिकोसाइट। अब एक ग्रेनुलर लिकोसाइट कितनी होती हैं? ये भी दो होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ग्रेनुलर लिकोसाइट कितनी होती हैं? तो 3 होती हैं। कौन कौन से हैं? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। आज के लिए इतना ही, और इसके आगे हम वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ अगर आप लोग को ये टॉपिक पसंद आया हो, क्वेश्चन पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।